दोस्तों नमस्कार, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा विषय है वो खांसी। खांसी गीली खांसी भी होती है और सूखी खांसी भी होती है। तो सूखी खांसी में क्या किया जाए और कैसे क्या करने से हमें लाभ मिलेगा। सूखी खांसी में जो पहली जो दवा है वो है एकोनाइट। ये जो सीजन चल रहा है इसमें जो सूखी खांसी होने का बहुत संभावना है। सूखी खांसी के होने पर इस दवा का प्रयोग करना चाहिए, एकोनाइट 30 का। दूसरी दवा अगर सूखी खांसी पुरानी हो गई हो तो इसमें जो है सल्फर 200 पोटेंशियम का 2 बूंद आधे कप पानी में डाल के 2 बार लें, देखेंगे आपकी इससे काफ़ी हद तक आपको आराम मिलता है। फास्फोरस, जब दिन रात लगातार सूखी खांसी बनी रहे तो उसमें जो है फास्फोरस औषधि बहुत ही अच्छा लाभ देती है। बेलोडोना 30, गले में खुश खांसी तथा गला खांसते खांसते दुखने लगता है, ऐसे में बेलोडोना 30 जो है बहुत ही अच्छा कार्य करती है। डायनिया 30, ज़्यादा खुशकी आने पर, जरा सा बोलने पर खांसी आने लगती है, तो ब्रांडिया 30 जो है बहुत अच्छा कार्य करती है। ये रही आज की सूखी खांसी में आने वाले कुछ चुनिंदा दवाइयों के बारे में। वैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि होम्योपैथी में देखा जाए तो सिम्टोमेटिकली बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, लेकिन हम वो दवाइयों का जिक्र कर रहे हैं जो कि तुरंत जो है आपको लाभ दे सकती हैं। आशा है छोटा सा क्लिप आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो हमारे साथ बने रहें और इसे अपने भाई बंधुओं में शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करें तो बहुत ही उपकृत होऊंगा। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनिमल।